मंचा सिंह, श्री संजय कुमार जी, श्री तरपल सिंह जी, श्री प्रफुल्ल कुमार जी, श्री मेघराज सिंह रत्नू, डॉक्टर गोयल साहब एंड इस सुंदर आयोजन के आयोजक डॉक्टर रवि गुप्ता जी और आप सभी इस आयोजन में जो प्रतिभागी या सहभागी या योगदान करता है उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की ये बड़ी महती आवश्यकता है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है इस पे गहनता से विचार किया जाए और मैं इस आयोजन के लिए जो आयोजन करता है उन्हें मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस इश्यू को आपके बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में रखा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शहरी विकास कई वर्षों से अपने आप होता आया है, हमारा योगदान उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शहर में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनसे हम आकर्षित होते हैं उसके कारण गांव की आबादी शहरों की ओर लगातार बढ़ती रही है और आज उस स्टेज पे आ गई कि आज शहर मैनेजेबल नहीं रह गए। इसलिए इस समिट में या इस आयोजन में इस बात पर चर्चा करने की और विचार करने की आवश्यकता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें। मैं ये नहीं कहता हूं इसको रोकें, बट कैसे मैनेज करें। अगर आप सुबह न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो आपको शहर की बहुत सारी समस्याओं की, चाहे वो आपका राजस्थान में हो, चाहे केरला में हो, चाहे बंगाल में हो और चाहे महाराष्ट्र में हो, पूरा अखबार भरा हुआ होता है कि या ये नहीं हो रहा है या ये नहीं हो रहा है या हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समय की आवश्यकता है कि हम इन बातों पर चर्चा करें कि हाउ कैन वी मैनेज इट। यद्यपि ये सही है कि सभी जगह डेवलपमेंट अथॉरिटीज आई हैं म्युनिसिपैलिटी के पैरेलल, यद्यपि शहरी विकास शहरी व्यवस्थाएं सारी कुछ नगर पालिकाओं के अंदर है। 74th and 73rd संशोधन जो हमारा संविधान का हुआ है उसने इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ही हाई वैल्यूज दी हैं और ये माना है कि अगर देश का कोई विकास या कोई उन्नति या कोई सिस्टमेटिक आगे बढ़ने का काम होगा तो ये इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा ही संभव है। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो उन संस्थाओं के साथ साथ इन चीजों को मैनेज करने के लिए पैरेलल संस्थाएं भी डेवलप हुई हैं, अस्तित्व में आई हैं। मैं अगर जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करूं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम वो सारा काम कर रहे हैं जो म्युनिसिपैलिटी को करना चाहिए या कर रही है, यानी एक ही सिस्टम में दो सिस्टम काम कर रहे हैं और उनका आपस में कंफ्लिक्ट भी है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अपने दायित्व को रीडिफाइन करें कि कौन सा काम किसको करना चाहिए और किसको कितना करना चाहिए। साथ ही जो हाउसिंग डेवलपमेंट से चाहे PSU आए हैं चाहे प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, ये शहरी विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। शहर कहाँ बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसमें क्या सुविधाएं होंगी या नहीं होंगी, ये सारा बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट हाउसिंग डेवलपमेंट एजेंसीज का है। अगर इन सब चीजों को समेकित रूप से देखें तो आज मैं ये कह सकता हूं कि माननीय राष्ट्रपति जी स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने जो कहा था कि
कि हमें रूरल अर्बन की ओर जाना चाहिए. हम अभी जो अर्बन डेवलपमेंट ग्रोथ हो गई है हम उसी को फर्दर एक्सपांड कर रहे हैं और वो अब मैनेजेबल नहीं रहा. चाहे आप सफाई की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे पानी की व्यवस्था ले लीजिए, और चाहे आपके सीवरेज प्रॉब्लम ले लीजिए, ये सारी चीजें, और इवन आपका पर्यावरण ले लीजिए, ये सारा अब किसी एक संस्था के मैनेज के अंदर नहीं है. ऐसे में अब जरूरत है कि हम छोटे छोटे शहर डेवलप करें जिसमें ये सारी चीजों का स्थानीय समाधान हो. और अगर हम इस समिति में बैठ के, आपका एजेंडा है, आप चर्चा करेंगे, लेकिन एक नई दिशा भी इस पे कोई ओपन हाउस आप चर्चा करें कि क्या ये काम जो हमने या उस समय ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज उसके लिए कहा गया था कि वो रूरल अर्बन की बात करे और उस पर अपना काम शुरू करे, लेकिन मुझे ये कहते हुए थोड़ा हिच है कि उसमें पंचायती राज विभाग आगे बहुत कुछ नहीं बढ़ पाया है क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उनका अपना एक जो सोच का जो दायरा डेवलप हुआ है वो इसको कॉप अप नहीं कर पाया. लेकिन शहरी संस्थाएं, म्यूनिसिपैलिटीज एंड जो इससे जुड़ी हुई जो दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्टर में काम कर रही संस्थाएं हैं, चाहे हेल्थ केयर में काम कर रही संस्थाएं हैं, अगर ये चीजों को छोटे छोटे शहर डेवलप करने के लिए अगर ये सारे उधर शिफ्ट हो जाते हैं और जो नियर बाई पॉकेट्स डेवलप हो जाए और शहर का एक्सपांशन रोकते हुए गाँव को शहर बनाना शुरू कर दें, तो मेरा ये मानना है कि इस जो समस्याएं अब हम महसूस कर रहे हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, शायद हम उस व्यक्ति हद तक काबू पा पाएंगे. इन्हीं विचारों के साथ कि आपका ये समिट, आपका ये आयोजन सफल हो और आप कोई नई चीज, नया विचार इस शहरी विकास के लिए देके जाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस आयोजन के लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बधाई देता हूं और इसकी सफलता की शुभकामना करता हूं. थैंक यू.